सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। इसके अंदर हम रिएक्ट कर रहे हैं बड़े ही डिफरेंट वे में, क्योंकि हम रिएक्ट कर रहे हैं एक यूट्यूब व्लॉगर जिनका नाम है ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान ने अभी अभी एक वीडियो अपलोड करी है, उसका टाइटल देख के मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को रिएक्ट करना था। तो लेट्स जस्ट सी के क्या होता है वीडियो के अंदर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई नो आप लोग भी होंगे। वीडियो है आई प्रपोज्ड डिंचैक पूजा। और गाइज, इसका सजेशन मुझे किसी ने नहीं दिया। जो हमारी सजेस्टेड वीडियोज हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में बताते हो, हमें सजेस्ट करते हो, वो वीडियोस पे हम रिएक्ट करते हैं मॉर्निंग 10 AM। तो 10 बजे रोज एक वीडियो आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो गाइज, इसी तरीके से कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वैसे मैंने अपने मेन चैनल पे भी कल एक वीडियो डाली है आईफोन गिव अवे के बारे में। मैं आईफोन 14 गिव अवे कर रहा हूँ, तो आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वी हैव ओपन्ड अ व्लॉगिंग चैनल, इट इज़ कॉल्ड बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो रिएक्शन शुरू करते हैं, या टेक्निकल गुरुजी स्टाइल में बोलता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे होता कुछ, आई होप आई एम राइट। है ट्रिगर्ड इंसान ऐसा दिखता है। टाइटल से तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। जी हाँ, वो ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है जब ढिंचैक पूजा, वो ढिंचैक पूजा जिस पर वीडियोस बना बना के मैंने अपने ओ चैनल की स्टार्ट करी थी, वो ढिंचैक पूजा जिसने सेल्फी मैंने ले लिया स्वैग वाली टोपी जैसे लेजेंडरी गाने गाया, वो आज स्वयं हमारे चैनल पे आने वाली है। एंड हम जाने वाले हैं एक डेट पे। एंड क्योंकि मैंने रिसेंटली ढिंचैक पूजा का एक लव सॉन्ग सुना, ये गाना सुन के कसम से मेरी आंखें खुल गई। और मैंने सोचा क्यों ना हम पूजा जी पे एक छोटा सा प्रैंक कर लेंगे, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी तो उनका रिएक्शन देखने वाला होगा। और उसके अलावा भी हमने काफी सारी फन एक्टिविटीज वगैरह करी, वो तुम्हें तब पता चलेगा अगर तुम वीडियो को एंड तक देखोगे। तो एंड तक देख लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। भाई, ये ढिंचैक पूजा के 16.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। फॉलो करो यार, सीरियसली मुझे भी चाहिए। हम तो आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, फिर भी फॉलो नहीं करते आप लोग। फॉलो करो यार, हाथ धो गई। अरे तेरा काम हो गया तो ठीक है। तो गाइस, यही है वो ऐतिहासिक पल जब हमारे साथ हैं द लॉर्ड सुरो की देवी हरसेल्फ, ढिंचैक पूजा। तो ढिंचैक जी हमारे चैनल पर आई हैं। ढिंचैक जी, आपके सम्मान में हमने एक इंट्रो तैयार करा है छोटा सा। बड़ा फनी वे में उसको पूजा नहीं बुला रहा, उसको ढिंचैक ही बुला रहा है। तो ढिंचैक जी हमारे चैनल पे आई है और आपके सम्मान में हमने इंट्रो तैयार करा है पूरा। गाना बजाओ। 3, 2, 1। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैं। ये ढिंचैक पूजा से ज्यादा सुर में नहीं गा रहा। ले लिया। ढिंचैक जी आपको कैसा लग रहा है? आप बिग बॉस में गए, आपने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, आपने अपने जीवन में जो आप लेवल पहुंच सकती थी सब अचीव कर लिया है, और उसके बाद आज आप फाइनली हमारे इस चैनल पर आ गई। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलना चाहती थी, आज मिल लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ढिंचैक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे का क्वेश्चन क्या था। आज तक मैंने आपको काफी बड़े तेज हो रहे हो, मैसेज वैसेज करे, आप पे वीडियोस भी बनाई कुछ, लेकिन आपने कभी ना उन पे रिप्लाई करा, ना मुझे कभी इंस्टा पे रिप्लाई करा, ना मैसेज करा। लगता है व्यूज कम हो गए हैं जो अब आप सामने से कोलैब कर रहे हो मेरे साथ। व्यूज तो कम हो गए हैं, जो कि सच है, सबको पता है, लेकिन मैं सोचा जो मेरे ऊपर बने हैं तो उनसे ही बात कर लें। फिर पहले हमने आपको आगे बढ़ा दिया, अब आप हमें आगे बढ़ा दीजिए। ओ भाई साहब, ये तो फटे था, ये बहुत सही बोला। ये साझेदारी है, देखिए हमें भी आगे बढ़ा दो बे। कभी हमने भी अपना चैनल जो है आपके नाम पे ही पूरा शुरू किया था, तो अब अच्छा हो ना किया तो हमारे यहाँ बैठ सकते। सही बात है, देखो दोनों मिलजुल के आज चैनल बढ़ा रहे हैं। चलो इसी बात पे लाइक करो वीडियो को जल्दी से। ऐसे व्यूज की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है, अब मैं यहाँ आई हूँ तो फिर आपके कितने व्यूज हो जाएंगे इस वीडियो में? पहले ही आपने मेरे सब्सक्राइबर चुरा लिए हैं, अब जो है वो भी चुरा लो। मैंने चुरा लिया है चुरा लिया है तुमने जो सब्सक्राइबर को, हमारे पास भी आओ बे। खींच लिया, खींच लिया। देखिए वो जमाना बहुत पुराना था, आज से 4-5 साल पहले। अच्छा, लोग तो वही हैं, ये लोग भी चेंज हो गए। चेंज हो गए, बदलते रहते हैं। बच्चे देख रहे हैं क्या आजकल? दुनिया बदल जाती है दोस्तों। अरे बिल्कुल, नवजात शिशु अभी जो फ्यूचर में पैदा होने हैं ना, जो आंटी अभी 7th 8th मंथ में है, उनके बच्चे क्या क्या था ये क्या था?
सलमान खान देखा मैंने प्रेग्नेंट अभी, नवजात शिशु अभी जो फ्यूचर में पैदा होने हैं ना, जो आंटीज अभी 7-8 मंथ में, उनके बच्चे पेट से ही वीडियो देख रहे हैं मेरी। तो आपको क्या लगता है आपके जोक्स पर से बच्चे हंसते हैं? देखो आपको कैसे पता कि मेरे जोक्स पे बच्चे हंसते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो पे बच्चे कमेंट करते हैं, बट कम से कम मेरी वीडियो पे कोई कमेंट तो करता है, आपकी वीडियो पे कहाँ करेंगे, आपके तो कमेंट भी ऑफ किए हुए हैं। कोई गाना भाई ये तो रोस्ट कर रहा है सामने बैठ के, आपका अच्छा है या बुरा है ये तो तब पता चलेगा ना, अगर ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है, मेरा तो हर चीज अच्छा है। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। तुम कहोगे यार इसकी आंखें अच्छी नहीं है, जो भी कोई घर आंखें अच्छी है, अभी मैं तुम्हारी सुनू उसकी सुनू, उसकी सुनूंगी ना। याद आया कि आपका अभी मैं तुम्हारी सुनू उसकी सुनू किसकी सुनू क्या डेंचेक पूजा यार, नेक्स्ट लेवल। ये बिग बॉस में भी आई थी वो गाना था, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर आ आ मुझसा ना है कोई शूटर। आपको कैसे पता आप क्यूट हो? मैं तो देखो क्यूट हूँ बचपन से थी, और साइड डेंचेक पूजा क्यूट है ये किस किस को लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। लड़कियां लड़के मैं सबको क्यूट मानती हूँ, और अपने आपको तो ज्यादा ही मानती हूँ। अच्छा गाना राइम हो रहा था तो क्यूटर किया था, अच्छा इसलिए, बट वो क्यूट भी है तो वो बन गया, वो चल गया गाना। जो भी राइम होगा डाल देंगे, जो भी नहीं तो आज तक तो आप यही करते आए हो। आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपका नाम डालते ही व्यूज आ जाते हैं। आज मैं खुद आ गई, आज खुद आया तो बताओ क्या होगा, बताओ भगवान को कुछ चढ़ाओ यार कभी। सही मैम, सही मैम, बिलीव इन गॉड, आप ही भगवान है। थैंक यू सो मच, आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे हाँ यार ट्रिगर्ड इंसान ने ऑलमोस्ट आपने इतने लेजेंडरी गाने बनाए, तो आपका आपके गानों में सबसे फेवरेट कौन है? अब आपने इतने नाइस एडिटिंग ब्रो, ढिंचक पूजा का सेल्फी मैंने ले ली आज, एक गाना आया था बापू दे दे थोड़ा कैश, एक आदत दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, और एक दारू 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 दारू। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने भी सुने हैं, सुनने पड़ते हैं यार, क्या करें यूट्यूबर हैं हम। लेजेंडरी गाने बनाए, तो आपका आपके गानों में सबसे फेवरेट कौन है? अब आप ये मत बोलना कि सारे अच्छे हैं, एक होता है गाना जो सबसे फेवरेट होता है इंसान का, आपका खुद का कौन सा है? वैसे तो वही सारे हैं, मेरा आंसर वही है, मेरे को पता था, बट आई थिंक मैं अगर मैं कहना चाहूँ तो फर्स्ट को कहना चाहूंगी, क्योंकि वहां से मेरा करियर शुरू हुआ है। फर्स्ट आपका स्वैग वाली टोपी राइट, देखो मुझे पता है स्वैग वाली टोपी, मेरी स्वैग वाली टोपी, हाँ मैंने सुना ये गाना भैया, इसके गाने सुने हैं क्योंकि बिग बॉस मैं तब देखता था, क्योंकि देखने लायक था, इनके आने के बाद देखने लायक रहा नहीं। इतना फॉलो करता है मुझे यार। अच्छा दूसरी आईडी से? नहीं नहीं रियल आईडी से करता हूँ। कहती कि कहती दूसरी आईडी से, मतलब मोस्टली लोग करते हैं। हाँ हाँ तो मैं तो देखा नहीं। अरे मैं सिर्फ एक ही चैनल को सब्सक्राइब दो अपने रियल अकाउंट से आपको बस। भगवान आर यू सीरियस, ये अभी करके दिया होगा इसने। आपको लंबी उम्र दे। देखो आपका चैनल पे अगर हम अभी जाएंगे ना तो आप, पर यार मैं तो अपने अपनी दोनों चैनल पे सब्सक्राइब हूँ, आरजी एयर पे और 20 ब्लॉग्स बाय आरजी पे। आपका दारू 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 गाना है सिर्फ सबसे पहला, तो आग वाली टोपी है भी नहीं आपके चैनल पे, फिर भी मुझे पता है कि वो आपका फर्स्ट गाना था। तो आपने उसको रोज सुना होगा, आपको पता है? नहीं मैंने नहीं उसको बनाया, मैं फॉलो किया आपको स्टार्टिंग से 2015-14 या 15। यार इतना किसी लड़की को फॉलो करते हैं पता नहीं क्या होता, कहाँ से कहाँ होता, क्या मुझे फॉलो। अरे आप समझ नहीं रहे हैं यार। अच्छा करियर क्या मतलब, अभी तक रिंचक पूजा समझी नहीं, करियर भी इम्पोर्टेंट होता ना। हाँ। ये आपका करियर है। क्या बोला तुम्हारा यार, पता नहीं क्या होता वो स्टार्टिंग से गाना था यहाँ से। तो देखो आपको स्टार्टिंग से 2015-14 या 15। यार इतना किसी लड़की को फॉलो करते हैं पता नहीं क्या होता, कहाँ से कहाँ होता, क्या मुझे फॉलो। अरे आप समझ नहीं रहे हैं यार। अच्छा करियर भी इम्पोर्टेंट होता ना। हाँ। ये आपका करियर है। प्लीज राइट, हंस क्यों रहे हो तुम लोग, सही तो बोल रही है भाई, करियर इम्पोर्टेंट है ना। है ही वो तो। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूं? पूछो। आप बिग बॉस तक पहुंच गई थी। ओके। ये कैसे हो गया? कितने पैसे देने पड़े थे बिग बॉस में जाने के लिए? देखो पैसे लेके भी वो लेता देते नहीं है तो सबको पता है, नहीं तो कोई भी आ जाता, अमीर से अमीर लोग वहाँ पे, तो आपने देखा होगा। तो उनका मेल आया था मेरे पास कि मतलब ऑडियंस की डिमांड थी, जब भी हमको शूट या वीडियो कुछ भी फिल्म होती है तो ऑडियंस की डिमांड पे होती है हमेशा, उन्होंने मुझे मेल किया, मैं उनसे मिली।
आर यू सीरियस? स्वैग वाली टोपी के बाद ऑडियंस ने डिमांड करी एक और गाना लाओ, और ये लेके सेल्फी मैंने ले ली आज। फिर मुझे जाना था, एंट्री करनी थी, बट मैंने मना कर दिया। अच्छा। उसके बाद मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, मेरे मैनेजर ने बोला, फिर मैंने दोबारा एंट्री की उस पे, क्योंकि मुझे दो तीन लोगों ने उल्टा सीधा बोला था कि तू तो पागल है बिग बॉस। लॉन्ग डिस्टेंस नेवर वर्क्स। अबे यार ऐड आ गई। तू नायरा पे चीट मार रहा है, आंटियों का परफ्यूम क्या कर रहा है तेरी गाड़ी में? देखा, ये चीजें भी देखने वाली है। क्योंकि मैं देखती नहीं। आपको यही नहीं पता था बिग बॉस? नहीं पता था, नहीं तो मैं जाऊंगी ना। सलमान खान को सामने से देखा फिर कैसा लगा आपको? सामने से सलमान खान जैसे लग रहे थे वो पहले। नहीं, वो ही थे। अच्छा, वो ही थे। अच्छा, वो की क्या बात है। तो हाँ, तो फिर मैंने हाथ बंद मिलाया तो हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ कि वही थे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही। बहुत पहनचोत, क्या IQ लेवल है। मैंने उनकी मूवीज में देखा है, मैंने उनको अच्छा था, लोग सब अच्छे थे। तो काफी ऐसा अजीब नहीं लगा आपको कि उन्होंने तक आपका रोस्ट कर दिया? वो आपसे गाना गवाया उन्होंने, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। उसके बाद वो बोलते हैं ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है, इसको वायरल कर दिया तुमने, ये गाना हिट किया आप लोगों ने, ऐसा ही हुआ था ना? देखो मैं बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल यार फॉलो करता हूँ। बड़े लोगों को लोग फॉलो करते हैं और बड़े लोग बड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो? सलमान खान मुझे रोज कर रहे हैं। सही बात। आपको किया कभी? करना मैं, चाहिए था। मैं वो वीडियो जरूर देखती, उस पर लाइक भी करती। She's getting kinky, हाँ? सल्लू भाई की बात हो ही रही है तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पूछो। सल्लू भाई भी हमारे गाने गाते हैं, आप भी गाने गाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे गाने गाते हैं, सल्लू भाई? सलमान खान आपको ढूंढ रहे हैं, फोन आ जूत पहन गए सलमान तो। या फिर आप ज्यादा अच्छे, सेल्फी मैंने ले लिया। अब दोनों में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। भाई साहब इसके जूत पड़ेंगे, इसके पक्के जूत पड़ेंगे। अच्छा गाते हैं आप? अच्छा नहीं गाते? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। गा के दिखाओ। गाना बोलो आप, कौन सा गाऊं? कोई भी गा दो जो आपको आता हो लिरिक्स के साथ। टोपी लाओ भाई। ये लो, आज आपको टोपी पहनाते हैं। अरे आपने खुद ही पहन ली, सही लग रहा है। मुझे तो लगा हिमेश रेशमिया का कोई गाना गाएगा। ओ हुजूर, स्वैग वाली टोपी मेरी। अरे पीछे लोग का है। अरे मेरे चार भाड़े के टट्टू का है। भाड़े के टट्टू को 10-10 रुपए वाले भाड़े वाले, चले आओ पीछे। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। दारू दारू दारू, दारू दारू दारू, दारू दारू दारू, जो ना नाचे उसको मारू। दारू दारू सेल्फी मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। देखो मैंने अपने सेल्फी मैंने ले लिया आज वाला सपना भी पूरा कर लिया, वो भी विद ढिंचे पूजा हर सेल्फ। कम से कम सीरियसली ये गाने आज आप गा पा रहे हो? सही बात, मैं तो हमेशा गाता हूँ। ये तो पूरी वीडियो से निकलेगी। 8 मिनट की वीडियो हुई है अभी। मतलब रात रात भर जाग के जब हम पार्टी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ढिंचक पूजा के गाने। गुड। अब मैंने आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लिया, आप भी तो कुछ पूछ लो। ऑडियंस के लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि वो आपके वीडियोस देखते हैं, मुझे उस स्टूडेंट के लिए बुरा लगता है जिसकी आप इंजीनियर की सीट खा रहे हो। ओ भाई लंका लगा दी, मेरे हेडफोन निकल गए। दिन चेक पूजा भाई पूरी तैयारी के साथ आई थी। कुछ नहीं भाई, मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा ढिंचक पूजा को रोस्ट करा इन रियल लाइफ, ये उल्टा हो रहा है। आप सिंगर हो, मैं रोस्टर, क्या पता रियलिटी में ऐसा हो, ऑडियंस को पता ही नहीं कुछ। मुझे भी नहीं पता ये बात तो यार। मुझे भी नहीं पता ये बात यार। पुलिस पता लगा रही है। ये काम ज्यादा अच्छा है, कम से कम कुछ लोगों का टाइम पास तो हो रहा है। हाँ सही बात है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जो मैंने बोल दिया ये काम वीडियो तो बनानी है। और क्या रियल कुछ बना के दिखाओ रियलिटी में। बनाने की बात कर रहे हैं, बनाते हैं बिल्कुल। आप बताओ क्या गाना? तीन वर्ड तो गाना बना दूंगा। निश्चय मल्हान नाचोस। नाचोस और निश्चय मल्हान नाचोस। निश्चय मल्हान नाचो, निश्चय मल्हान। पता नहीं मुझे अनु मलिक क्यों याद आ रहा है। हाँ नाचो निश्चय मल्हान नाचो, नाचो नाचो नाचो। ढिंचक पूजा का गाना है ना, समझ कैसे आएगा। वैसे आपका कोई फैमिली बिजनेस है क्या? क्यों, कभी आपने सोचा है जिस दिन यूट्यूब बंद हो जाएगा उस दिन क्या करोगे आप लोग? सोच लो अभी टाइम है। मैं तो इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन।
तो मेरे पास तो है ऑप्शन, मैं तो नौकरी कर लूंगा. आपने अपना सोचा, आपका क्या होगा? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन. ये लड़की वाला कार्ड कहाँ से यहाँ पे आ गया भाई? अरे शादी कर लूंगा यार किसी से, क्या होगा? भाई मेरी गालियां निकल गई आज. दिल टूट गया. अभी होप है, ट्राई करते रहना. सच में? तो व्हाइट फूल नहीं देते, रेड देते हैं. कुछ पता नहीं है क्या आपको? अच्छा हो ना. अच्छा तो पूजा, आई वॉज वंडरिंग के 5 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए. मैंने स्टार्टअप पे वीडियोस बना के किया था, लेकिन इस पूरी जर्नी में मैंने कभी रियलाइज ही नहीं करा कि मुझे कब आपसे कुछ नहीं हुआ. आपको नहीं पता चला, बट हो गया. मैंने आपको प्रपोज भी किया था. आपने इमेजिन करो, ढिंचक पूजा और ट्रिगर इंसान गॉट मैरिड. रिजेक्ट कर दिया था, हे भेज दिया था, वो भी आपने नहीं, आपके किसी दोस्त ने भी किया था. आपने रिजेक्ट कर दिया था, हे भेज. क्या मैसेज है? हाय ढिंचक जी, आंखों में तेरी अजब अजब. अबे कल का भेजा हुआ है दिया था, वो भी आपने नहीं, आपके किसी दोस्त ने, असिस्टेंट ने. तो अभी मैं सोच रहा था कि पूजा जी आई लव यू. लो नाचोस का. तो इसको मैं हाँ समझू? अच्छा नहीं है, दोबारा कोशिश करना. पूजा जी, विल यू बी माय वैलेंटाइन? नो. क्यों किसी को? कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो. मैंने क्या बोला? ट्राई करते रहना. क्या लगता है ढिंचक पूजा हाँ कर देगी? कमेंट्स में बताना मुझे. शायद. इट्स अ प्रैंक. ओके. इट्स अ वेरी फालतू का फेल्ड वाला प्रैंक. आई ट्राइड. वैसे आपने क्या सोचा है, आप शादी कब करोगे? वैसे अंडर एज क्राइम नहीं है इंडिया में? आगे वाले सेगमेंट पे चलते हैं गाइस. हो गया मेरा आज काफी. तो इस सेगमेंट में मैंने पूजा को कुछ कमाल कमाल के क्रिंज वाले गाने सुनाए, ये देखने के लिए कि क्रिंजी सॉन्ग्स पे पूजा का क्या रिएक्शन होगा. तुम लोगों ने ये गाने फेमस करे. हिंदुस्तान स्वागत है द कपिल शर्मा शो के नए सीजन में. अर्चना जी, कौन कौन ऐड से परेशान है? जो है ना प्रीमियम ले लो, मैं भी ले रहा हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये गाने फेमस कर दिए और ये यूट्यूबर फेमस कर दिया तुमने. एक तरफ डीजे मृणाल है. आपको पता है इसने एक इंटरव्यू में बोला था ये आपसे इंस्पायर्ड है. पता नहीं, मैं तो देखती नहीं. आप जानती नहीं है, लेकिन आपने एक पूरी नई जनरेशन ऑफ सिंगर्स को इंस्पायर करके रखा हुआ है. अच्छा, कोई इंस्पायर नहीं? आपको अच्छा लगा ये गाना? कैसा लगा? ठीक है, ये ठीक था. हमें सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा, बट वो हमने एंजॉय कर रहे, तो ठीक है. दूसरी, मैं यूट्यूबर बनने से पहले चांदनी चौक पे बर्गर की रेडी लगाता था. और तीसरी, मेरी हाइट 6'1" से ज्यादा है. अब आपको बताना है कि इसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा है. फेल वाला क्या है? वो सच है. अगर वो रेडी लगाता था इंजीनियरिंग की सीट खाता किसी की. ठीक है, तो मैं पूछती हूँ आपसे 3 क्वेश्चन, उसमें बताइए कि सच क्या है. मेरा नाम पूजा नहीं है. सेकंड, मैं इंडिया से नहीं हूँ, मतलब बर्थ कहीं और हुआ है, अभी तो इंडिया में. और थर्ड, मुझे डॉग पसंद नहीं है. तो मुझे लगता है कि जो सेकंड वाला आपने बोला ना कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मुझे वो लग रहा है कि वो वाला जो है वो सच हो सकता है. कहाँ से हो? मुझे क्या पता, मंगल मंगल से हो सकते हो. इंडिया से नहीं.
आफरीन फातिमा बेवफा है। तो गाइस मैं बता रहा था, तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं कितना जिम करता हूँ और मैंने सबको पंजे में हरा रखा है YouTube इंडिया में सबको, लेकिन इस भोली भाली लड़की को छोड़ के अब इस लड़की को भी हम हरा देते हैं पंजे में। मैं हैरान हूँ जितना इसने एडिट करा है, इसमें बीच में एक ही नहीं लगाया भोली भाली लड़की। एक बार में खेल खत्म, नीचे पूजा के साथ आम रेसलिंग, आर यू रेडी? He's doing nice. एरियल पंजा। देखिए पूजा जी, अगर आप ये जीत गए आप तो आप पूरा चैलेंज जीत जाएंगे, ठीक है? रेडी है? गो। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? किधर? Yes, I won. Oh my God, guys, मेरा माइक गिर गया है और मैं हार गया हूँ, guys. It's okay. गिर गया, it's okay. गिर गया. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. Congratulations, आप जीत गई हैं. काफी दम है एक्चुअली इसमें. तो पूजा जी, बस वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ दो लाइनें भी अगर गुनगुना देंगी ना, वो बस मजा आ जाएगा। चलो डांस करते हैं, ठीक है? मरने तक डांस करेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, आजा तू डांस फ्लोर पे मिलकर सब डांस करेंगे, डांस करेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, आजा तू डांस फ्लोर पे मिलकर सब डांस करेंगे, मरने तक डांस करेंगे, आजा तू डांस फ्लोर पे। गाइस ये था ढिंचक पूजा का आने वाला गाना, एक मिनट में बना दिया, एक मिनट में ऑन द स्पॉट। एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। ये आई थिंक पूजा आपका फर्स्ट एवर कोलैब था इंडिया में आज तक का, वो भी ट्रिगर्ड इंसान के साथ, फर्स्ट एवर कोलैब एवर भी। तो वी आर आल्सो ओपन फॉर कोलैब्स, कर ले वो कर लेना, लेकिन इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें लेके आते हैं, मजा आता है देख के, और आपको भी ये वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी अब तक की कोई भी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब जो करने का मन करे कर दो। 20 व्लॉग्स में हमारा पहला व्लॉग आज आ चुका है 12:30 बजे, वहाँ पे व्लॉग लोड होता है, तो जो व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके हमें देख सकते हैं, 20 व्लॉग्स बाय आरजी पे। और एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बता दूँ, आरजी हेयर पे आईफोन 14 का गिव अवे चल रहा है, तो भैया कमाल भाई, ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो कर लेना, मैं इनके ओरिजिनल क्रेडिट्स और लिंक्स वीडियो, वैसे तो यार सर्च इंजन में आ जाएगा, लिखोगे ट्रिगर्ड इंसान आ जाएगा, इनका एसईओ बहुत बड़ा है, तो कभी हमारा भी होगा तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और सर्च करते रह करो चैनल के ऊपर क्या आ रहा है नया, और रोज 10 बजे आपकी सजेस्टेड वीडियोस पे मैं करता हूँ रिएक्ट, और सबसे कमाल की चीज़ आई रिएक्ट ऑन एवरीथिंग।